And I will request honorable member to start. Sir, thank you for calling me honorable. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. We want justice. Don't expect justice from there. But can we expect it from you? Sessions baki. You are not interested in the right of justice. मेरा मौका है बोलने का आपका मौका है बोलने का नारको के मुद्दे है डिस्कस करने के लिए और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए व्हाट इज गोइंग ऑन क्या आपको सूडो फेमिनिज्म का मतलब पता है? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में एक बढ़िया से एग्जांपल से इस चीज को समझ जाओगे, इसकी डेफिनेशन को समझ जाओगे। और एग्जांपल में जया बच्चन या फिर बी स्पेसिफिक जया अमिताभ बच्चन से बढ़िया एग्जांपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इनको अपने पति के नाम से काफी ज्यादा दिक्कत है। कोई इनको जया अमिताभ बच्चन बोल दे तो ये चिढ़ जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद बोल रही है। थोड़ा विषय वस्तु आप लोगों को समझा देता हूं ताकि ये वीडियो समझने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। राज्यसभा के अंदर जब सेशन चल रहा था उस वक्त जगदीप धनखड़ जी जो स्पीकर हैं राज्यसभा के, जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के, उनके द्वारा जब जया अमिताभ बच्चन का नाम लेकर उनको बोला गया कि आप बोलिए, आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो कुछ बोलना है, तो जैसे ही उनका नाम लिया गया तो जया अमिताभ बच्चन के तो एक अलग ही स्पीच निकल कर आ जाती है। ऑनरेबल मेंबर्स, जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर एंड आई रिमेम्बर व्हेन आई वेंट टू स्कूल। टेक योर सीट। यू मे बी अ सेलिब्रिटी। You have to understand the decorum. No, nothing. तो राज्यसभा के स्पीकर के द्वारा यानी जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इनको डांट लगाकर बिठा दिया जाता है। अब ये इतना क्यों तिलमिला गई? इसके पीछे रीजन था क्योंकि परिवारवाद को लेकर काफी ज्यादा एक तरीके से कहासुनी हो रही है पार्लियामेंट के अंदर। परिवारवाद का मतलब है जो कोई इंसान जब राजनीति के अंदर आया तो उसके परिवार वाले भी उसके चलते हुए राजनीति में आ गए, जैसे कि मुलायम सिंह यादव हो गए, उनका परिवार हो गया, यानी अखिलेश यादव हो गया, अखिलेश यादव की जो पत्नी है वो हो गई, या फिर उनके परिवार के जो सदस्य हो गए वो समाजवादी पार्टी से रिलेट करते हैं तो वो उनके परिवार हो गया, या फिर पंजाब के अंदर अकाली दल हो गया, हरियाणा के अंदर इनेलो हो गया, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना हो गई, और भी काफी सारे जो पार्टीज हैं जिनके ऊपर परिवारवाद का इल्जाम लगता है। अब यहां पर जो जया बच्चन जी हैं, या भी स्पेसिफिक थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा मुझे, जया अमिताभ बच्चन जी हैं, इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है अपने नाम से, इनको दिक्कत होती है कि इनके नाम के आगे जया अमिताभ बच्चन क्यों लगाया जाता है, क्या जया बच्चन नहीं बोला जा सकता? ये तो गलत होता है ना कि एक लड़की महिला को उसके पति के नाम से उसको जाना जा रहा है। एक्चुअल में इनको ज्ञान थोड़ी सी कम है मुझे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो नियम है या पार्लियामेंट के अंदर जो इन्होंने नाम दे रखा है शायद इन्होंने सही से पढ़ा नहीं है, तो इसके ऊपर भी आएंगे। और ये जया अमिताभ बच्चन जी का पहला कोई इंसिडेंट नहीं है कि ये इतना चिढ़कर बात कर रही हैं, इससे पहले भी कुछ चीजें हो चुकी हैं। धन्यवाद श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर, सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता, यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं, चूंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं। आपकी बड़ी विशिष्ट उपलब्धि है। नया शुरू, तो इनको प्रॉब्लम क्या है इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये इतना परिवारवाद से चिढ़ क्यों रही हैं? परिवारवाद तो कहां किसी और को जा रहा है, इनका क्या परिवारवाद का रिलेशन आता है, इसको हमें समझने की जरूरत है। जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा की, वो एक्चुअल में ये अपने हस्बैंड यानी अमिताभ बच्चन जी के द्वारा ही बनी है, ऐसा समझ सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसको थोड़ा सा हमें पास्ट में जाने की जरूरत है, वहां पर हम चीजों को समझेंगे। जय अमिताभ बच्चन जी जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से आती है, समाजवादी पार्टी ने इनको एक तरीके से पद दिया, मतलब उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया हुआ है, पांचवां टर्म इनका चल रहा है, इससे पहले इन्होंने 4 टर्म कंप्लीट कर लिए हैं। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कैसे आई, कैसे ये अपने हस्बैंड के द्वारा यहाँ पर राज्यसभा की मेंबर बनी है, इसको हम जान लेते हैं। जो अमिताभ बच्चन जी है 1980 के दशक में कभी ये इलेक्शन लड़े थे कांग्रेस की टिकट पे, प्रयागराज जो आज की डेट में जिसका नाम है, पहले कभी इलाहाबाद हुआ करता था, तो प्रयागराज से वो टिकट से उन्होंने कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा था और वो जीते भी थे, और उस वक्त काफी ज्यादा कांग्रेस के ऊपर करप्शन के चार्जेस लग रहे थे। तो अमिताभ बच्चन जी ने
तीन साल बाद अपनी वो सीट छोड़ दी थी। फिर उनके बाद वहां पर बाय इलेक्शन भी हुए थे और उन्होंने अमिताभ बच्चन जी ने अपनी छवि को साफ सुथरा रखने के लिए कि भाई यहां पर तो काफी ज्यादा करप्शन है, पॉलिटिक्स में आके कहीं ना कहीं छवि खराब हो जाएगी, तो अपने आप को बचाने के लिए राजनीति से अलग होने का फैसला किया था और हाथ जोड़ लिए थे कि भाई मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। जब ये अलग हुए थे राजनीति से, कुछ टाइम बाद उनकी जो कंपनी है ABCL लिमिटेड, उनको काफी ज्यादा लॉस होने स्टार्ट हो गए थे उनकी कंपनी के अंदर। तो उस वक्त एक सक्रिय नेता हुआ करते थे, यानी एक्टिव नेता हुआ करते थे, अमर सिंह जिनका नाम था। अमर सिंह जो है वो समाजवादी पार्टी से आते थे और उस वक्त वहां पर समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे। तो यहां पर अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन की उनके उस कठिन समय के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प की थी। अब ऑब्वियसली मुलायम सिंह यादव जी को पता चला था कि यहां पर इनके अमर सिंह के अच्छे कनेक्शन है अमिताभ बच्चन जी के साथ, तो मुलायम सिंह यादव जी ने अमर सिंह को कहा था कि आप जाइए अमिताभ बच्चन जी को आप पार्टी के अंदर लेकर आइए। लेकिन अमिताभ बच्चन जी ऑलरेडी चीजें देख ली थी कि हाँ यार इलेक्शन के अंदर या फिर राजनीति के अंदर आने पर क्या क्या चीजें सहनी पड़ती है, कैसे छवि खराब हो जाएगी, तो वो यहां पर आना नहीं चाहते थे। लेकिन एक ऐसा इंसान जिन्होंने उनकी हेल्प की थी उनके बुरे टाइम के अंदर, वो उसको मना भी कैसे कर सकते थे। तो इस चीज को कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की गई और सॉल्यूशन निकला, उन्होंने अपनी वाइफ यानी जया अमिताभ बच्चन जी को पार्लियामेंट के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में राज्यसभा के लिए वहां पर उनको मनोनीत कर दिया और वहीं से इन्होंने अपनी एक टर्म स्टार्ट करी। अब ये एक्टर के तौर पर आती ना आती ये तो नहीं पता, लेकिन अभी फिलहाल ये अपने हस्बैंड के दम पे जरूर यहां पर आई हुई है। और जया अमिताभ बच्चन जी को शायद कानूनी ज्ञान बहुत ज्यादा कम है, तभी उनको पता नहीं है कि महाराष्ट्र के अंदर एक कानून चलता है जहां पर ये बात लिखी गई है कि एक वतनी जो है वो अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, यानी कि उनकी पत्नी के नाम के बाद उनके पति का नाम लिखा जाएगा। ये महाराष्ट्र के अंदर कानून है, शायद इनको ये नहीं पता है, वहां पर रह रही है और वहां के कानून नहीं पता है इनको, कमाल की बात है। और इनके पास राजनीति कितनी नॉलेज है ये भी ये दिखा देती है कि जब यहां पर जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इनको डांट लगाई गई, इनको बिठाया गया, इनको समझाया गया, कि उसके बाद जब ये पार्लियामेंट के बाहर जाकर मीडिया के सामने एक तरीके से सबको इकट्ठा करके अपना रोना रोती हैं, कहती हैं कि देखो हमारे साथ ऐसे हो रहा है, हमें चुप करवाया जा रहा है, तब ये यहां पर वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी को कहती है कि वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तरीके से ही हमारे कलीग हैं, वो एक आम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड इज, जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है, अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। आई ऑब्जेक्टेड टू द टोन यूज्ड बाय द चेयर, वी आर नॉट स्कूल चिल्ड्रन, we are all and some of us are senior citizens। तो इनकी इस वीडियो से साफ पता चलता है, जो यही बताता है कि इनको कितनी नॉलेज है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेकर, राज्यसभा के प्रोटोकॉल को लेकर, एक वहां पर कैसे डेकोरम मेंटेन किया जाता है इसको लेकर। और खैर इन्होंने ये बोला ही बोला कि वो एक एमपी है, एमपी की तरह वो हमारे कलीग हैं, जगदीप धनखड़ जी को उन्होंने ऐसे बोल दिया, इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में फर्क नहीं पता है, वो मान लेते हैं क्योंकि बॉलीवुड से आती है, वो मान लेते हैं। लेकिन इनके पीछे इनका साथ देने के लिए यहां पर हमें दिखती है सोनिया गांधी जी, कांग्रेस की मोस्ट सीनियर लीडर हमें दिखती है, और ये देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है कि वो जो है इनका साथ दे रही है। ऑब्वियसली इंडिया अलायंस है, शायद इस करके इनका साथ देना ही पड़ रहा है। तो जय अमिताभ बच्चन जी को अगर अपने ही नाम से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो जो पार्लियामेंट में जो नाम दे रखा है उसको चेंज करवा लीजिए। जगदीप धनखड़ जी ने कोई अलग से तो नाम नहीं बोला है, जो उन्होंने नाम वहां अपना ऑफिशियली रजिस्टर करवा रखा है, जो लिख रखा है, वही जो डॉक्यूमेंट के अंदर नाम है वही लेकर तो उनको बोला जाएगा, लेकिन शायद ये चेंज कराना इनको नहीं आता होगा। नहीं आता तो वहां पर काफी सारे नॉलेजेबल पर्सन ऑब्वियसली उनसे चेंज करवा लीजिए, उनको बोल दीजिए कि यार चेंज कैसे होते हैं, वो शायद चेंज करवा देंगे। और थोड़ा बहुत महाराष्ट्र के नियम को भी पढ़ लेना चाहिए कि वहां पर क्या कहते हैं। ये झूठा नारीवाद लेकर ये ढकोसला या फिर एक तरीके से अपनी छाती पीटना कि यार देखो ये मुझे मेरे पति के नाम से बुला रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको बंद करो। बॉलीवुड के अंदर हम देख रहे हैं कि ये झूठा नारीवाद हमें देखने को मिलता है, ये सुडो फेमिनिज्म हमें देखने को मिलता है। एक्चुअल में जो महिलाओं को जो प्रॉब्लम है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। हाँ, तुम अपने पति के नाम से क्यों जाना जाए, तुम एक इंडिपेंडेंट वुमन हो, तुम अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकते हो, तुम्हें अपने पति की कोई जरूरत नहीं, ऐसी घटिया सोच जो है समाज के अंदर तो बॉलीवुड हमेशा से भरता ही आ रहा है। और यहां पर हमें राज्यसभा के अंदर भी वही चीज हमें देखने को मिली। ये तो जगदीप धनखड़ जी ने इनको एक तरीके से सही से ट्रीट किया। जहां पर आप कमेंट सेक्शन के अंदर या वीडियो जाकर देखेंगे ना, तो राज्यसभा की एक वीडियो है वहां पर आप जाकर देखेंगे तो लोगों ने बहुत भर भर के कमेंट के अंदर बड़ा अच्छा सा ज्ञान दिया है जय अमिताभ बच्चन जी को कि उनको कैसे मेंटेन करना चाहिए। यार इस तरीके के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनके पास इस तरीके की नॉलेज है, कमाल की बात है कि वो राज्यसभा के मेंबर बने हुए हैं। और सोचिए ये
जाकर हमारे देश में सत्ता का काम कर रहे हैं और ये हमारे लिए सवाल उठाएंगे, ये सोचने वाली बात है। तो इनको जो एक तरीके से एक्चुअल में विषय उठाने चाहिए, जो बेरोजगारी है या फिर हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो भी तमाम चीजें हैं, महंगाई हो गई, इनके ऊपर अगर बात करने से बेटर इनको लगता है कि ये झूठा नारीवाद लेकर अपने आप को एक मीडिया के अंदर जिंदा रख सकते हैं, ये वही काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जया बच्चन जी के पास जय अमिताभ बच्चन जी के पास कोई भी ढंग के क्वेश्चन नहीं है, ढंग की कोई बात करने को नहीं है, इसलिए वो इस तरीके की इररिलेवेंट बातें कर रही हैं ताकि अपने आप को मीडिया के अंदर जिंदा रख सके। इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखना। आज के लिए बस इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।